तो हेलो गाइस, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों काइसेन का कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो देखो, इसमें जो मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद मिडल में लाइन खींच दिए, देन मैंने आईब्रो की लाइन ले ली है, अब मैंने आइस की लाइन ले ली है। तो गाइस, बहुत अच्छा तरीका है ये बनाने का, क्योंकि तो इससे क्या होता है कि आपको एक एग्जैक्ट तरीका पता लग जाता है कि भाई मेरे को यहाँ पे नोज बनानी है, यहाँ पे आइस बनानी है। तो हमेशा अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे ना, एक पूरा प्रिपोशन लेके कि भाई मेरे को इसके अंडर काम करना है, तो बहुत हद तक ये होगा कि आपका जो है क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं, आइस आइस की जगह पर आएंगी और नोज नोज की। क्योंकि क्या, देखो मेन चीज़ हमारी आइस होती है। आइस अगर हमने पूरे मुंह पे भी ढक लिया ना कपड़ा, तो हमारे जो जानने वाले होंगे वो हमारी आइस देख के पहचान लेंगे कि ये बंदा ये है। तो गाइस, इसलिए आइस को हमें ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए अच्छे से बीच में मिडल में लाइन लगाओ जहाँ पे आपको आइस बनानी है। सर्कल का ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट होता है, उस जगह पे लाइन खींचो जैसे मैंने वो खींच रखी। तो मैंने ये आइस बना दिए, मैं आइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो गाइस, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आइस बनाओ तो बीच में मिडल लाइन खींच दो, ताकि उस आइस के अंडर ही आप काम करो। हाफ आइस जो ही हाफ आइस जो होगी वो उसके ऊपर आएगी, और हाफ आइस जो होगी वो उसके नीचे आएगी। बोले तो मिडल में, आइस के मिडल में है वो लाइन आएगी। तो ऐसे ही आपको ये ड्राइंग करनी है। तो ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो गई है मेरी आइस। अभी जो है मैं उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन पे ला रहा हूँ, क्योंकि छोटी बड़ी लग रही थी, है ना। अभी हो गया, मैंने रबड़ को सेट कर दिया, उस पर फोकस जा रहा था। तो अभी देखो, मैंने ये नोज़ का देख रहा हूँ, नोज़ को भी मतलब आपको ना एग्जैक्ट देखना होगा कि भाई इतनी दूरी तक जो है वो नोज़ है, इतनी दूरी तक जो है उसकी आइज़ है। ये मैंने अब आइज़ के ऊपर जो है इसके आईब्रो क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया इसके आइज़। अभी जो मैं स्पेस देख रहा हूँ कि वो मुंह का स्पेस कितना ज़्यादा जाना चाहिए, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। दिक्कत जब आएगी जब आप टाइम देके इसमें इम्प्रूवमेंट ना आए, इसलिए आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ओपन जाना है, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे आपको पता भी लगेगा कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कितना आ गई। क्योंकि जब मैं शुरू में ड्राइंग करता था ना, तो मैं बिना सर्कल के करता था और मैं आइस से ड्रॉ नहीं करता था, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को कि भाई यार क्या है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पूरी प्रपोर्शन ख़राब हो रही है, आइस जहाँ पे आनी चाहिए वहाँ पे है नहीं, आइस छोटी बड़ी हो गई, ऊपर नीचे हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। इससे ना आपको ना यूज्ड टू हो जाना है, आदत पड़ जानी चाहिए कि यार ये तो होना ही है। बट एट द लास्ट ये होगा कि आपका एकदम ठीक हो जाएगा सब प्रपोर्शन। फिर आपको इम्प्रूवमेंट पता है कौन सी नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए होगी एक आर्टिस्ट वाली, तगड़ी वाली आर्टिस्ट वाली। फिर वो तो आप धीरे धीरे कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो वैसे ही मैंने हैंड ले लिया इसका, है ना, एक कि भाई कान के नीचे से जा रहा है तो कान के नीचे का इतना स्पेस मेरे को लेना है, और अगर उसकी जो फिंगर्स है वो थुड्डी के नीचे जा रही है तो उसके थुड्डी के नीचे ही जानी है, है ना। तो बस इस चीज़ का आपका ध्यान रखना। ये मैंने ऑलमोस्ट बना दिया। अब मैं हाथों की जो हड्डियाँ थोड़ी नस वस हड्डी दिखाई देती है वो ले बना दूंगा। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी जो है मैं इसका हाथ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका मैंने। तो गाइस, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई इतने तक ही जाना चाहिए, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके हेयर पे आ गया। असल क्या होता है कि जब हम भी ड्राइंग करते हैं ना, तो हम जब तक कर रहे होते हमको मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही होती। तो इसलिए क्या करना होता है कि आपको थोड़ा दूर जाना है, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर आना है वापस, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये गलती आ रही है। और दूसरा इंस्टेंट तरीका है कि आप जो है उसकी फ़ोटो खींच सकते हो कि भाई फ़ोटो खींच ली, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा, आपको अपने रूममेट्स, क्लासमेट्स, होममेट्स, कजन्स जो भी हो उनको बुला के पूछना है कि भाई बता। क्योंकि देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर एक नॉन आर्टिस्ट भी आपको कमेंट कर रहेगा ना कि भाई यहाँ पे अच्छा ही लग रहा, तो आपको ना ऐसा ही लेना कि यार नहीं यार ऐसे कैसे बोल रहे थे, तो आर्टिस्ट भी नहीं है। क्योंकि यार एट द लास्ट ना वही लोग आपसे ड्राइंग खींचेंगे, मतलब जो पेंटिंग होगी वही खरीदेंगे जिनको कि भाई हाँ भाई, एट द लास्ट जो है वही आपसे ड्राइंग खींचेंगे खरीदेंगे, है ना। हाँ वो अलग बात है कि यार क्योंकि आर्टिस्ट, यार आर्टिस्ट तो खुद बना लेगा, है ना, आर्टिस्ट को खरीदने की क्या जरूरत है पेंटिंग, वो तो खुद बना लेगा अपनी पेंटिंग। हाँ ऐसा हो सकता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, तो वो अपने मतलब खरीद सकता है तब,
सबका कोई वो नहीं है कि यार फिर तो हर कोई लाजमी है कि भाई अगर मेरे को भी किसी अच्छे आर्टिस्ट की अगर पेंटिंग मिले तो डेफिनेटली मैं खरीदना चाहूँगा अगर वो मेरे बजट में हो तो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई प्रिपोशन अच्छा रखना हमें, है ना। और किसी के भी कोई भी हमें फीडबैक दे रहा है ना उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि भाई ठीक है चल ठीक है मैं ऐसा इसको करने की कोशिश करूँगा, बस दैट्स इट। क्योंकि यार जब हम ड्रॉ करते होते हैं ना पब्लिक के बीच में तो ये प्रॉब्लम आती है कि यार इसको ये ऐसा करो, तो उस टाइम बेशक वो हो कि भाई तुम्हें गुस्सा है मगर उस टाइम ठीक है हामी भर दो, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, इतना बहुत होता है। क्योंकि अगर आप घर में बैठ के सिर्फ ड्राइंग कर रहे हो ना तो यार नहीं चलेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप बाहर जाओ, है ना, बाहर जाके ड्रॉ करो, लोगों को देखो, तो धीरे धीरे आपका जो हाथ का फ्लो है ना आपको तरीका पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब इतनी परेशानी मेरे को हो रही है, तो बाद में नहीं होगी आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 सर्कल खींच दिया, है ना, मैंने पहले वो डिस्टेंस देख लिया था सकल से और हाथ का, तो उस हिसाब से मैंने ये हैंड का मैंने सर बनाया है ना कुछ स्क्वायर टाइप का। फिर मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच दी थी फिंगर के लिए, फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो बस यही इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि भाई आपको एक पूरा इसका क्रिएट कर देना है कि भाई अगर वो बॉक्स की शेप में है तो बॉक्स में ना, ट्रायंगल की शेप में है तो ट्रायंगल, सर्कल की शेप में तो सर्कल। तो आपको ये जो है ना ढूंढना है मतलब बॉडीज में या फेस के अंदर ना शेप ढूंढना है कि भाई इस ये क्या बोलते हैं, अगर फेस है तो ऐसा बनेगा, अगर अपने हिसाब से ना आप कोई सा भी शेप दे सकते हो उसको। ये बस ये ध्यान रखना है आपको कि भाई पूरा प्रिकॉशन में जाना चाहिए। देखो मैंने पूरा स्क्वायर बनाया था उसी के अंडर मैंने बना दिया। हाँ अगर आपको लगे कि आपका जो शेप है जो है बड़ा हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरीके से ही बनाओ उसको जहाँ पे वो आपको फिट बैठ रहा है। देखो देखो 4:10 हो रहा है उसका सर, है ना, सर छोटा हो गया हाथ बड़ा हो गया। अगर मैं हाथ को छोटा बनाया था तो उससे ये होता कि भाई हाथ पीछे चले जाता, इसलिए हाथ को मैंने ऑलमोस्ट बड़ा बनाया ताकि वो हाथ लगे आगे है, आगे कर रखा है उसने। देखो जो उसका राइट हैंड है वो पीछे की तरफ है इसलिए वो थोड़ा छोटा है, जबकि जो उसका लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा बड़ा है ताकि वो लगे कि भाई हाँ वो एक्चुअल में है आगे है उसकी बॉडी से, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है यार कि हमने इतना टाइम दिया ना फिर जाके अच्छा नहीं बनता तो भाई सर घूम जाता है बहुत तगड़ा वाला कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैंने यार ये मैंने क्यों ली ये फील्ड मेरे को। फिर बाद में कुछ देर बाद ये होता है कि यार यही यही फील्ड मेरे को अच्छी लगती है मैं यही करूँगा चाहे मेरे को आए ना। फिर आप मेहनत करते हो, है ना, आप मेहनत करते करते फिर एट द लास्ट जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। यार किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, अगर वो यूट्यूब पर ही है तो शुरू में कैसे डालता था, अगर वो अपने यूट्यूब की वजह से अपनी जो है मतलब अच्छी कर रहा है ड्राइंग तो और क्या चाहिए उसको, आपका आपको सपोर्ट भी मिल रहा है ना साथ साथ जो है आप उसकी ड्राइंग स्किल भी अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको रेगुलर वीडियो डालनी है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई ड्राइंग करते रहनी है। अब देखो अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ देखो मेरे व्यूज़ नहीं आते, मैं साफ बोल रहा हूँ, है ना, मगर मेरे को चलो यार देखो आप 10 बंदे हो 20 बंदे हो जितने भी बंदे हो वो देख रहे हो ना उतना इनफ है मेरे लिए। अगर मेरे साथ और जुड़ेंगे तो उससे बेहतर क्या होगा, मेरी ड्राइंग भी चल रही है साथ में आपका प्यार भी मिल रहा है। तो भाई देखो अगर आप इस यहाँ तक पहुँच गए ना वीडियो में डेफिनेटली सब्सक्राइब करके आना यार, मोटिवेट लेवल मोटिवेट मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं, देखो बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, तो इसलिए सब्सक्राइब कर जरूर जाना। और ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना कि भाई अच्छी है बुरी है व्हाटएवर, आपको जो भी आपको फील आ रहा है वो फीडबैक दे के जरूर जाना अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो। मैंने ऑलमोस्ट ये बना दिया है ना, मैं जो थोड़ी शेडिंग वेडिंग टाइप कर रहा हूँ डार्कनेस जहाँ पे होनी चाहिए यहाँ पर डार्कनेस कर रहा हूँ ताकि लगे कि हाँ ये मैं अभी इसके कपड़ों पे कर रहा हूँ शेडिंग, कपड़े करते करते अब मैं थोड़ा सा नेक पे आ गया। मैं ये बनाते वक्त ना पता क्या सोचता हूँ, हमेशा ये सोचता हूँ कि बस अच्छा बने ना बने
सेम टू सेम बन जाए, है ना। एक एक कॉपी देखो, हम एक आर्टिस्टिक वे तो कर नहीं रहा मैं कि भाई मैं अपनी इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, है ना, ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, है ना। और हमको ये देखो, कई लोग होते हैं एज अ हॉबी, उनको काफ़ी पसंद होता है ड्रॉ करना, और यार इसमें अप्रिसिएशन भी अच्छी मिलती है, लोग देख के एडमायर होते हैं, भाई बहुत अच्छा बनाया तुमने, है ना। और उसको देख मतलब अच्छा फील होता है कि यार हाँ, अब चाहे तुम्हारी एज क्यों ना हो जाए, फिर आप किसी बच्चे को बना के दिखाओ तो एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जैसे हमें भी कोई अगर एजिड बंदा आके बताता है कि यार देखो मैं ये बनाता हूँ तो हमें भी अच्छा फील होता है कि यार क्या गजब का बना रहे हैं, हम कब बना पाएंगे ऐसा, तो वाली बातचीत आनी चाहिए, वो वाई भाई की तो मज़ा आएगा तुम। तो बस प्रैक्टिस करते रहो अगर आप बिगनर हो तो, बाकी तो जो आर्टिस्ट हैं वो तो कर ही रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए कभी भी, क्योंकि लेवल जो है ना, आप ये मत सोचना कि भाई लेवल आ गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बस ये सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।